यहां पे स्टिकी इंडेड एंजाइम के ऊपर बात कर रहे हैं, दे आर द सम एंड प्रोडक्ट स्टिकी इंडेड में सारा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कोड भी याद रख सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ध्यान देना मैं कुछ कुछ को मेंशन कर रहा हूँ, खासकर जैसे इको आर वन यू हैव टू रिमेंबर, हिंद थ्री यू हैव टू रिमेंबर, बैम एच वन आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट तीन का तो पता हो, इसके अलावा नहीं भी पता है तो चलेगा, ठीक है, कुछ नहीं करना है। ध्यान देना कि ये जो है पूरा का पूरा केस है हिंद थ्री, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ बताते हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है कि जो नॉर्मली बाहर की लेडी, सुनना मेरी, बाहर की लेडी गागा, ठीक है, लेडी गागा जो है इंग्लिश गाना गा के हिंदुस्तान में आग लगा दिया, ये आपका कोड बन गया, वेरी सिंपल। क्या है ये चीज देखिएगा, बी का मतलब बैम एच वन जी जी ए गागा, इंग्लिश ई का मतलब इको आर वन जी जी ए ए, ये हो गया, हिंद थ्री का ये है आग, जी जी ए जी ए ए ए ए जी, बाहर की लेडी गागा इंग्लिश गाना गा के हिंदुस्तान में आग लगा दिया, दिस इज योर कोड, यू कैन रिमेंबर दिस इन दिस वे, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि सर ये तो 6-4 इस तरीके से बेसिस है, आप तो बोल रहे हो कि भैया ये तो 3-3 बेसिस सिक्वेंसेस बता रहे हो, भाई देखो बहुत स्मार्टली मूव करना, मैं बस एक तरीका आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे। इको आर वन का केस लेना, यहां पे इको आर वन का केस है जी ए ए, आपको पता है कि ये 5' इंड से शुरू हो रहा है जी ए ए, इसके बाद आपको पता है कि यहां पे जो केस होना चाहिए इस 5' इंड से जी ए ए होना चाहिए, ठीक है, जी ए ए होना चाहिए। अब इसकी 3' कॉम्प्लीमेंट्री इंड पे, 3' कॉम्प्लीमेंट्री इंड पे ऑब्वियस ही बात है ना कि जब इसको देखोगे तो यहां पे सी होगा, यहां पे टी होगा, यहां पे टी होगा, और यहां पे क्या होगा, सी टी टी, यही तो केस है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री उठा के इसके आगे उल्टे वे में रख लो, 3' इंड भी सेम होगा इस तरीके से, जी ए ए याद कर लिया, उसके आगे इसी का उल्टा रख दिया टी टी सी, 3' इंड से बराबर करके। सिमिलरली किसी का भी ले लो, अगर जी जी ए एक था तो मैं इसका बोलता सी सी, ये दो था ये है टी, तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, दिस इज टी सी सी, हो गया। देखो कुछ गलत बोला मैंने, ये तरीका है याद रखने का स्मार्टली, ठीक है। सो नाउ यू कैन रिमेंबर, लाइक इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को बहुत ही स्मार्टली याद कर सकते हो, ठीक है। किसी का भी याद हो, हिंद थ्री का आपने देखा आग, हिंद थ्री का देखो आग है, जब आग है तो आगे का ध्यान नहीं रखना, ये देखो टी टी सी होगा, मतलब सी, ये जो 3' इंड यहां से शुरू होता है ना, तो सी टी टी उल्टे तरीके से लिख दो, हो गया काम, दिस इज द केस। तो एनी रिमेंबर किसी भी चीज के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है भैया, बैम एच वन इको आर वन हिंद थ्री, बाकी के लिए आप यहां पर लर्न कर सकते हो अगर आप चाहो तो, नहीं चाहो तो भी अच्छी बात है, ठीक है। नाउ तो दिस इज लाइक ये जो केस यहां पे बन रहा था, इसके बाद जो हो जाता है वो है आपके ब्लंट इंड। ब्लंट इंडेड में कुछ आपको पता होना चाहिए, जब हम ब्लंट इंड के ऊपर बात करते हैं तो ब्लंट इंड में जो आपके पास होना चाहिए दैट इज लाइक इको आर वन पता हो, एच ए ई थर्ड पता हो, उसके साथ साथ आपके एस एम ए फर्स्ट पता हो या पी यू वी सेकेंड, एटलीस्ट तो ये पता होने चाहिए। इको आर वन का देखिए जी ए टी है, ठीक है, उसके पास जी जी है एच ई का, गैग है ये, इसका सी 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 ये है, ठीक है। तो एच ए ई और एस एम ए अगर आप देखेंगे तो एच एन एस का जो है एक डबल सी है, दूसरे का ट्रिपल जी है, बस कुछ था नहीं, मतलब बेसिकली देखोगे तो यही चीज था, सी सी है, दो सी दो जी, इसका अगर मानो तो दो जी है और इसका ट्रिपल सी है, इस तरीके से दूसरा वाला आप देख सकते हो एच और एस का, इसके साथ बस इको आर फिफ्थ का था, इको आर फिफ्थ जो था वो गैट ये था, ठीक है, इको आर फिफ्थ, और इसके साथ पी वी यू जो था ये था कैग, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज आप ध्यान रखना और आपका सारा काम हो गया, ठीक है। तो सारा का सारा जो पैग लगा के
ठीक है, अगर आप देखेंगे तो पटियाला पैग लगा के छोटे छोटे, पटियाला छोटे छोटे पैग लगा के इंग्लिश मिक्स करके गट गट पी गया। कौन पी गया? कोई भी आप नाम लिख सकते हो एच और एस करके, कोड बना सकते हो। ठीक है, क्या बोलते हैं, पटियाला के छोटे पैग, कोड बना लो पटियाला के छोटे, यह है पी छोटे पैग, जो पटियाला के छोटे पैग जो थे ये बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, इंग्लिश मिक्स किया। इसके बाद इंग्लिश मिक्स करके गट गट पी गए, गट गट पी गए। पीने के बाद पता चला कि आपके ऋतिक रोशन जो है वो अपनी वाइफ, ठीक है, या सोनी, जो कौन सी मूवी में थी यार, सोनिया कुछ, अमीषा पटेल थी, सोनिया का करेक्टर कहो ना प्यार है, वो ले सकते हो, या जो भी आपको लेना है एच एस ले सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या करते हैं कि वो फिर जी जी सी सी करते भाग गए। ठीक है, कुछ ऐसा कर सकते हो। सो नाउ दिस इज द कोड, ये चीजें जो है आप तैयार कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, CSIR को पाने में अपना होगा लेट, एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट, मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल कर लिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे, लेट्स क्रैक इट।